हमारे अमजद भाई है जब ना मुंह छुपा रहे पुराने खिलाड़ी है ये ओल्ड ओल्ड खिलाड़ी है ओल्ड नहीं हुए है लेकिन खाली खिलाड़ी ओल्ड है हाँ आदमी ओल्ड नहीं हुए है हम लोग को कुछ प्रॉब्लम रहता तो हम लोग इसको पूछते हैं सोल्यूशन क्योंकि और अमजद भाई कभी कभी हमारा जो हार्ट टास्क होता है वो इजी कर देता है इजी कर देता है बराबर जो चीज पूछना रहता है वो एक्चुअली बुजुर्गों से ही पूछा जाता है सही कहा भाई हमारे ग्रुप के बुजुर्ग है वेलकम गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ एचडीडी कस्टम्स सो हम सब बैठे हैं यहाँ पर हमारे वर्कशॉप में आज और कुछ काम कर रहे हैं ये हमारे उस्ताद है अमजद भाई उस्ताद असली में उस्ताद है बिकॉज काफी कुछ सीखा है हमने अमजद से जहाँ पे हम सब अटक जाते हैं वहाँ पे उसका दिमाग काम करता है ऐसा है क्योंकि वो पहले बहुत बड़ा पहले काफी सालों मैकेनिकल काम किया है इम्पोर्ट कार्स का मैकेनिक था ये अभी दूसरा काम कर रहा है तो ये काफी चीजों में मेरी मदद करता है तो वो भी हमारा एक साथी है सो गाइस ये ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये ब्लॉग बेस्ड है इंजन ऑयल के ऊपर पहले भी मैंने इंजन ऑयल बताया ब्लॉग्स बनाए मोटी ऊपर बनाया था इस बार मैं और ये प्यूटोलिन नैनोटेक 1550 ऑयल है सो हमारे वेदर के हिसाब से 1550 परफेक्ट है तो ये ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से तो अभी मैं ये ऑयल हिमालयन में यूज़ कर रहा हूँ जो प्यूटोलिन नैनोटेक है ये मेड इन यूरोप है यूरोपियन ब्रांड है और इसकी खासियत ये है कि इसकी लाइफ ज़्यादा है जहाँ तक मैंने सुना है काफ़ी लोगों ने बताया कि ये मॉड्यूल से बेटर है अभी मुझे नहीं पता ये मॉड्यूल से बेटर है कि नहीं लेकिन मैं ट्राई करूँगा चेक करूँगा और आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि कैसा है ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट अपलोड करूँगा बिकॉज पहले मैं टेस्ट करूँगा ये बाइक ये जो ऑयल है मैडमैक्स में जाएगा और मेरी बाइक में जाएगा अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ मैडमैक्स ये मैडमैक्स नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि इसके टाइम पे इसके ओनर ने मैडमैक्स करवाए थे और इस बाइक का ओनर जो है मेरा दोस्त है अच्छा दोस्त अदनान सरकार करके उनकी गाड़ी है उन्होंने इस बाइक पे अराउंड 1.5 लाख रुपये खर्चा किया है 1.5 लाख रुपये का आएगा सो 1.5 लाख रुपये में सबसे पहले महंगा चीज़ है ये सस्पेंशन ये WP सस्पेंशन है जो हस्क वर्ना का है और इसे इम्पोर्ट करने में कुछ अराउंड 60,000 रुपीज़ लग गए फिर उसके बाद फ्रंट एल्युमिनियम रिम जो रैप 9 की है US ब्रांड है फिर फ्रंट कॉन्टिनेंटल टायर्स रेयर रैप की रिम और कॉन्टिनेंटल 180 साइज का टायर देन कस्टम पेंट जॉब कस्टम सीट और टैंक चॉपिंग ये जो सारे काम है मैंने नहीं किए ये किसी और कस्टमाइजर के वर्कशॉप में हुए हुए जब ये बाइक मेरे पास आई तब ये इस कंडीशन में ही आई थी इसके पहले ये बाइक किसी और जगह की बनी थी कोई और इसे बना रहा था तो मैंने इस बाइक में सस्पेंशन राइजर का काम किया है रेयर सस्पेंशन का हाइट बढ़ाया फ्रंट सस्पेंशन का ऑयल वॉयल डाल के उसका कंप्रेसर हार्ड करके हाइट बढ़ाया फिर इसमें जो फ्रंट फेंडर मैंने फिट किया है नकल गार्ड हैंडल बार गोल्डन वे लाइट ये सारी कारीगरी अपनी है मिरर्स फिर पीछे का टायर सेटअप ये पहले बनी थी सुपर मोटो जैसी फिर इसे हमने एडवेंचर बनाया तो फिर ये एग्जॉस्ट फिटिंग मैंने किया है और ये सारे कॉन्टिनेंटल टायर्स हुए जो पेंट जॉब कॉस्मेटिक जॉब है वो दूसरे कस्टमाइजर के पास हुआ है बाकी पूरी गाड़ी स्टॉक है स्टॉक इन द सेंस ये भी पूरी परफॉर्मेंस पैक्ड है बिकॉज जैसे आप लोगों ने देखा जो भी कस्टम मॉड्स जो परफॉर्मेंस मॉड्स मैंने अपनी बाइक पे किए उससे ज़्यादा मॉड्स इस बाइक पर हुए हुए एयर फिल्टर और कार्बोरेटर जो TM36 था वो इसी बाइक के लिए था तो ये चला गया है इसके अंदर अब ये मेरे बाइक में नहीं है फिर ये स्पॉकेट जो मेरे बाइक में लगा है सेम स्पॉकेटिंग इसको भी किया है चेन और स्पॉकेट किट और सस्पेंशन राइज अप किया है मैंने काफ़ी अगर आप देखोगे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मल हिमालयन से काफ़ी ज़्यादा है फिर इसकी सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सीट ऊंची है इसे इस पर बैठने के लिए आदमी को 6.5 फीट होना चाहिए या अगर मेरे वहाँ पे 6 फीट हो तो भी कंफर्टेबल नहीं होता बैठने में बिकॉज बाइक की हाइट बहुत ज़्यादा है और फिर गार्ड्स तो अपने बहुत पहले लग चुके थे इस गाड़ी में फिर उनको सेम पेंट किया था हमने और बहुत कुछ हुआ है इस बाइक में सो फिलहाल हम इस बाइक की बात नहीं करेंगे ये बाइक में जो कुछ हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया और मैंने नहीं किया है किसी और ने किया है और इसे करने में काफ़ी पैसे लग गए तो काफ़ी लोग बाद में मुझे पूछते हैं इसलिए मैं अभी पूरा डिटेल दे दिया आप लोगों को और अब बात आती है प्यूटोलिन की तो इसका मैंने ऑयल ड्रेन कर दिया है ऑलरेडी सो अब मैं इसमें ये ऑयल डालता हूँ और ऑयल ट्रेनिंग और डालने का प्रोसेस पूरा मैं अपने बाइक पे आपको प्रॉपर बताऊंगा आगे चलो
चलो, ये ब्लू कलर का ऑयल है। बाइक सीधा है, बाइक सीधा खड़ा है। जब बाइक इंजन स्टार्ट होता है आपको ऑयल लेवल नहीं मालूम पड़ेगा कि ऑयल घूमता है इंजन में पूरा, और जब इंजन बंद हो जाएगा, बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक लेवल प्रॉपर आ जाएगा सेट। सो ये लेवल दोनों के सेंटर में, शायद कैमरा में प्रॉपर नहीं मालूम पड़े कैमरा एंगल की वजह से, लेकिन ये सेंटर होगा तो ऑयल लेवल प्रॉपर है, मतलब और कभी ऐसा लगे तो टॉप अप करें अपना। हमारे पास 200 ml ऑयल है। सो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट थ्री ऑफ दिस सीरीज। पहले क्लच हुआ, फिर वुड रफ की हो गया, अब है ऑयल। सो मैं कौन सा ऑयल यूज कर रहा हूँ, ये है प्यूटोलिन नैनोटेक 4 प्लस है ये। सो मैं यूज कर रहा हूँ 1550 जो हमारे वेदर के हिसाब से प्रॉपर लगता है मुझे यूज करने। 1040 भी यूज कर सकते थे, 1040 में काफी कुछ इंजन का साउंड कम ज्यादा हो जाता, कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 1550 मेरे वेदर, मुंबई के वेदर के हिसाब से प्रॉपर है। सो मैं 1550 यूज कर रहा हूँ। ये जो ग्रेड्स होते हैं 1550 या 1040 या 540 ऐसे सब आते ग्रेड्स। सो ये सारे ग्रेड डिपेंड होते हैं आपके वेदर पे। जो 1550 ये मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस जो आउटर वेदर होता है, तो उसके हिसाब से इसे काउंट किया जाता है। और ये है 100% सिंथेटिक ऑयल। इसके पहले मैं यूज करने का मॉड्यूल, वो भी फुल्ली सिंथेटिक यूज करने का 300V, वो भी 1550 यूज किया मैंने इसके पहले। सो इस बार कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, प्यूटोलिन मार्केट में नया है और जहां तक मैंने इसका रिव्यू सुना है काफी बेटर है। हाई एंड सुपर बाइक सब में ही लोग यही बाइक यही ऑयल यूज कर रहे हैं प्यूटोलिन का। इवन सुपर बाइक सर्विस करने वाले भी ये ऑयल यूज कर रहे हैं। सो काफी दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया ट्राई दिस करके। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस गाइस, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कोई भी चीज अपने फायदे के लिए नहीं करते भाई। सो ये ऑयल है जो भी हम यूज करेंगे। और एक खास बात, एक हमारे दोस्त है यूट्यूब पर जिन्होंने क्लच की वीडियो में कहा था कि ये हार्पिक लग रहा है। सो यस, इट इज लाइक अ हार्पिक। हार्पिक टॉयलेट क्लीन करता है और ये हमारा इंजन क्लीन करता है। इट लुक्स लाइक अ हार्पिक, ब्लू कलर है। सो दिखाता हूँ कलर क्या है इसका एग्जैक्टली। ऑलरेडी सब चीज खुल चुकी है, आपने पहले वीडियो में देखा, सब खोल खाल के हो गया है, ऑयल ड्रेन आउट हो चुका है। और मैं पहले एक वीडियो बना चुका था जिसमें ऑयल ड्रेनिंग और ऑयल डालने का कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बता दिया था। तो इस ट्राईपॉड को रखते हैं सही जगह पर और सही से ब्लॉग बनाते हैं। ओके गाइस, सो प्यूटोलिन जो है ये ऑयल पड़ता है अपने को 1200 रुपये लीटर है क्योंकि फुल्ली सिंथेटिक है। और अब मैंने अपने सारे कंपोनेंट प्रॉपर क्लीन कर चुका हूँ। सो ये जो जाली होती है फिल्टर, इसे पेट्रोल से वॉश कर लिया है, नाउ इट्स गुड टू गो। ये जाएगी अंदर और हम ये सारी नॉर्मली ऑयल ड्रेन करते हैं इस बोल्ट से। ये पूरा निकालो तो जाली क्लीन करने मिलती है, और जाली क्लीन करो ज़्यादा बेटर होता है। जब भी आप ऑयल चेंज करो अपना नीचे का जाली क्लीन करो, उसमें काफ़ी कचरा होता है, निकल जाता है। तो इसे लगा देते इसकी जगह पर। सिंथेटिक ऑयल क्यों? बिकॉज हमारा जो इंजन है 400cc सिंगल सिलेंडर है, और 400cc सिंगल सिलेंडर जो हीट जनरेट करता है, वो हीट जनरेट करने पे अगर हम प्रॉपर उसे ऑयल यूज करें, एक प्रॉपर
लिब्रिकेंसी दे तो वो हीटिंग भी कम होगा और बाइक के इंजन कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन भी प्रॉपर होगा। तो ये ऑयल जो है मेरे ख्याल से फ्रिक्शन प्रॉपर करेगा। ये फर्स्ट टाइम भी डाल रहा हूँ मैं अपने हिमालयन में, इससे पहले मैंने जो मैडमैक्स थी मेरे पास, लास्ट में छोटा सा कट दिखाऊंगा उसका मेरा, तो उसमें डाल चुका हूँ और वो हम लोगों ने हफ्ते भर से रनिंग की है और बहुत ही अच्छा चला है, काफ़ी बेटर है, स्मूथनेस सेम है मोटिव जैसी, मोटिव में भी काफ़ी स्मूथ था। अगर हम देखें रॉयल एनफील्ड जो है वो हमें प्रोवाइड करती है HPCL ऑयल, और HPCL ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड ऑयल नहीं है, तो मुझे पता नहीं आया HPCL ऑयल में, सो मैंने काफ़ी पहले ही चेंज कर चुका था ऑलरेडी ये चीज़। तो अभी हमारे जो मेरा इंजन है ये प्रॉपर ड्रेन आउट हो चुका ऑयल, इसमें अभी फिलहाल तो मैं ऑयल है नहीं बॉडी पार्ट में, सो जहाँ तक मुझे लगता है मुझे पूरा 2 लीटर डालना होगा, नॉर्मली 1.8 लीटर जाता है, अब मुझे पूरा 2 लीटर डालना होगा क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कंपोनेंट्स खोल के ड्रेन आउट कर चुका हूँ, जो 100-200 ml अंदर पड़ा होता है वो निकल चुका है प्रॉपर से। सो अभी खोलेंगे इसे, ऑयल को खोलेंगे, ये ऑलरेडी खुले हुए डब्बे है, ये फ्रेश है, पैक ऑयल है, सब चीज़ लग चुकी है, सब एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन ऑयल डालने से पहले हम ऑयल फिल्टर डालेंगे। सो दिस इज ऑयल फिल्टर, तो बाइक को घुमा के लगाएंगे तो प्रॉपर व्यू दे पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अब बारी है ऑयल फिल्टर की, अब मैं इसमें ऑयल फिल्टर लगाऊंगा जो ब्रांड न्यू ऑयल फिल्टर में लाया हूँ। ऑयल फिल्टर नॉर्मली आपको सर्विस सेंटर में नहीं मिलता है, कुछ कंपनी के नॉर्म्स है रॉयल एनफील्ड नॉर्म्स के हिसाब से लोग सर्विस सेंटर में नहीं बेचते, सो ये सब डीलर्स है रॉयल एनफील्ड के जिनके पास हमें मिल जाता है, तो बहुत महंगा नहीं है, 117 रुपये कुछ है नया भाव के हिसाब से, तो सारी चीज़ें सही है, मेरी बोरिंग सही है। ऑयल फिल्टर कभी भी नया डाले हर बार जब भी ऑयल चेंज करें, तो ओके सॉइल फिल्ट्रेशन, अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऐसे ऑयल चेंजिंग प्रोसेस काफी लोग जानते हैं, ये बहुत ज्यादा टफ जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ और इसके यूज़ करने से क्या फ़ायदे होंगे इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अब देखेंगे कि ये ऑयल क्या कमाल करता है लॉन्ग रन में। फिलहाल तो हमने हफ्ते भर ही यूज़ किया है, लेकिन देखना अभी ये लंबी राइड पे कैसा कमाल दिखाता है। मेरे ख्याल से बेटर होना चाहिए मोटिव जैसे, मोटिव तो एनी टाइम बेस्ट है, गुड टू ट्राई समथिंग न्यू। ऑयल यूज़ करने लोकली हमारे पास काफ़ी और अलग ब्रांड भी है जैसे मोबिल है, शेल है, लेकिन
जहाँ तक मुझे हम इस तरह के ऑयल यूज करेंगे ज्यादा बेटर है अपने बाइक के इंजन के हिसाब से। ऑल लेवल फुल दिखा रहा है लेकिन ये फुल नहीं होगा, जब बाइक स्टार्ट करूंगा तो इंजन में रोटेट करेगा फिर आके अपना सॉफ्ट नॉर्मल लेवल पे दिखाएगा वो। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द बाइक, सी हाउ इट्स रनिंग। और अब मेरे बाइक में लगा है स्टॉक कार्बोरेटर विद जेटिंग किया हुआ, TM36 जा चुका है मैडमैक्स के अंदर इस व्लॉग के। ओके फ्रेंड्स, तो बाइक को मैंने बाहर ले लिया है और बाइक को वार्म अप पे रखा है क्योंकि ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी। बाइक स्टार्ट कर ली है, थोड़ा वार्म अप हो रही है, हम चलते हैं बाहर। मीन वाइल ये एक कॉन्टिनेंटल GT है जिस पे काम चालू है, ये एक बेनेली GT 600 है जिस पे काम चालू है, सब देखना मिलेगा आपको आगे। लुक एट माय ब्यूटीफुल बेबी, it needs some tune up setting, engine is running good, oil abhi running bike ka oil level nahi dikhega, main oil level dikhata aapko। गाइस ऑयल लेवल इज परफेक्ट, ऑल गुड, ब्लू का ग्रीन कलर हो गया है मिक्सचर होके, सो अब कुछ इस तरह का कलर दिख रहा है, इट्स नॉट अ ब्लू एनी मोर, ब्लू का ग्रीन हो गया बिकॉज पहले मोट्यूल चल रहा था इसके अंदर, सो मोट्यूल से वो प्यूटोलिन हो गया है और ब्लू और ग्रीन मिक्स होके कुछ थोड़ा अलग कलर हो गया है, ग्रीन नहीं मोट्यूल का था ये, क्या इसको बोलते हैं, फ्लोरेसेंट ग्रीन, सो अभी लाइट ग्रीन हो गया है, सो ऑल गुड, बाइक इज रनिंग गुड, मैं एक ट्रायल मार के आ गया है और ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, ऑयल के ऊपर था, तो ट्राई कीजिए कुछ इस तरह का अच्छा ऑयल जो कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है, मोटर डालो, मोबिल डालो, शेल डालो या प्यूटोलिन डालो, जो भी डालो अच्छा ऑयल डालो, अच्छे ग्रेड का ऑयल यूज़ करो, वन टाइम डालो, इंजन मेंटेन रखो। मिलेंगे गाइस अगले ब्लॉग में, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, चिकन।